नाव श्री राजन विचारे वेरी ब्रीफली सर ब्रीफली ऑलरेडी फाइव मिनट्स ओनली ऑलरेडी योर पार्ट टाइम ओवर। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मैंने आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया है। आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ऐसा एक बजट पेश किया है जिसका देश की जनता ने स्वागत किया है, लेकिन इसके बावजूद भी देश के मध्यम वर्ग इस बजट से खुश नहीं है क्योंकि उनका मानना है कि बजट में उनके लिए कोई विशेष घोषणा नहीं हुई है। सरकार ने बजट में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए 3073 करोड़ का आवंटन किया गया है जिससे निश्चित रूप से पूरे देश में एक डिजिटल क्रांति आएगी एवं इसका फायदा निश्चित रूप से देशवासियों को होगा। आज देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है एवं लाखों करोड़ों युवा बड़ी डिग्रियां लेने के बाद भी आज घर में निराश बैठे हैं। ऐसे हालत में सरकार ने बजट में 70 लाख नए रोजगार उपलब्ध करने की बात कही है जिसने वाकई देश के बेरोजगार युवकों के मन में उम्मीद जगाई है, जिसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी के मैं अभिनंदन करता हूं। माननीय आज भी देश में ऐसा वर्ग है जिसके लिए हवाई यात्रा के सपने की तरह ऐसे वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने ध्यान देते हुए एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाकर 5 गुना करने का फैसला किया गया है एवं छोटे शहरों में हवाई यातायात बढ़ावा देने के पहल करते हुए 1 घंटे की फ्लाइट का मात्र 2,500 रुपये किराया तय किया गया है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हवाई यात्रा करेंगे। सरकार ने बजट में अमृत योजना तहत 500 शहरों में पेयजल की व्यवस्था ठीक करने की बात की है एवं जिस पर 19,428 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र ठाणे के अंतर्गत आने वाला ठाणे नवी मुंबई और मीरा भाईंदर के अमृत योजना में शामिल करने की कृपा करें। बजट में सरकार ने किसानों पर ध्यान देते हुए 26,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा जिसका फायदा सीधा किसानों को मिलेंगे और वो बेहतर तरीके से कृषि का काम कर पाएंगे, लेकिन साथ में सरकार को ऐसे किसानों के भी ऊपर ध्यान देना चाहिए जो कर्जा वापस न करने पाने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार को ऐसे किसानों को कर्जा माफ करना चाहिए। हर गरीब का अपने घर होने का सपना है और सरकार ने 2022 तक देश के हर गरीब से गरीब आदमी को घर देने का बात बजट में की है जिसका मैं स्वागत करता हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि उक्त पूरी योजना की जानकारी सभी सांसदों को देनी चाहिए ताकि वो अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों के योजना के बारे में ज्यादा से ज्यादा बता सके। सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना में ध्यान देते हुए 100 नए शहरों का बनाने का ऐलान किया है जिसमें मेरे लोकसभा क्षेत्र ठाणे शहर का भी स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र ठाणे के अंतर्गत आने वाले गायमुख से भिवंडी बाईपास रास्ता बनाने के लिए जरूर निधि की तरफ दिलाना चाहता हूँ जिसकी वर्तमान लागत 1,000 करोड़ रुपए है। यह बाईपास रास्ता तैयार होने से संसदीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एक वैकल्पिक रास्ता मिल जाएगा जिससे उन्हें यातायात जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा एवं समय की भी बचत हो जाएगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं निधि उपलब्ध करवाने की कृपा चाहता हूँ। बजट में रेलवे पर भी खास ध्यान देते हुए माननीय रेल मंत्री जी ने 25,000 से ज्यादा फुटबॉल स्टेशन में एक्सलेटर लगाने की घोषणा बजट में की है। कई स्टेशनों और ट्रेनों में वाईफाई और सीसीटीवी लगाने की बात भी कही है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से मेरे संसदीय क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले मीरा रोड एवं भाईंदर स्टेशन में भी एक्सलेटर लगवाने का अनुरोध करता हूँ। माननीय रेल मंत्री जी ने महाराष्ट्र में 11,000 करोड़ रुपए की लागत से मुंबई में 90 किलोमीटर दोहरी रेल पटरी का विस्तार करने का ध्यान दिया है एवं मुंबई लोकल दायरे बढ़ाने की भी बात की। मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र ठाणे के अंतर्गत आने वाले मध्य रेलवे की पर 428 करोड़ रुपए की लागत वाले 2 किलोमीटर लंबे ऐरोली कलवा लिंक के काम की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ जिसके बारे में मैं बजट में भी बताया गया है कि जिसकी घोषणा तत्कालीन रेलवे मंत्री आदरणीय सुरेश प्रभु जी ने 2015 में रेल बजट में की थी एवं 10 दिसंबर 2016
को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस द्वारा भूमि पूजन का भी काम किया था, लेकिन 3 साल अधिक बीतने के बाद जाने के बाद भी अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, जिसके वजह से इस महत्वपूर्ण योजना की कई सालों से प्रलंबित है। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ये योजना पूरा होते ही ठाणे स्टेशन पर 30% यात्रियों की भीड़ कमी आएगी एवं लोगों को समय भी बचेगा। माननीय रेल मंत्री जी का मैं ध्यान सिडको द्वारा ठाणे वाशी मार्ग पर बेनकोड़े नामक एक रेलवे स्टेशन का प्रस्ताव की तरफ दिलाना चाहता हूँ। सिडको द्वारा बनाए गए सभी रेलवे स्टेशन का हस्तांतरण का रेलवे के पास जल्द होना चाहिए। यह मामला 20 सालों से प्रलंबित है, जिस पर आपका ध्यान देंगे मैं ऐसे आशा करता हूँ। साथ ही नवी मुंबई के सभी स्टेशन पे सीसीटीवी कैमरा और एक्सीलेटर लगाने की मांग करता हूँ। मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान संसदीय क्षेत्र आने वाले ठाणे स्टेशन में परिसर पार्किंग प्लाजा के काम की तरफ दिलाना चाहता हूँ, जिसका उद्घाटन तत्कालीन रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु जी ने 2016 में किया था, लेकिन वो भी काम आधा हुआ है। माननीय रेल मंत्री से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। दूसरी महत्वपूर्ण योजना थाना तथा मुलुंड के बीच में अस्पताल की जगह प्रस्तावित नया स्टेशन बनाने की मंजूरी मिल चुकी है और उसकी लागत राशि भी जमा हो चुकी है, परंतु इस जमीन के हस्तांतरण की मंजूरी महाराष्ट्र सरकार ने नहीं मिलने के कारण इसका काम 6 वर्षों से प्रलंबित है। मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री इस विषय पर बात करके जल्द से जल्द ही जमीन हस्तांतरण का मंजूरी लेकर इस स्टेशन का काम शुरू होने की कृपा करे। मैं माननीय रेल मंत्री जो आग्रह करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र ठाणे नवी मुंबई और मीरा भाईंदर जैसी जुड़ी परियोजना पे ध्यान देते हुए पनवेल हार्बर मार्ग पे ज्यादा से ज्यादा लोकल सेवा शुरू करने की अनुरोध करता हूँ और ये भी सभी स्टेशन पे महिलाओं के लिए शौचालय और विश्राम गृह की संख्या बढ़ाने का और साथ सीसीटीवी एक्सीलेटर लगाने की कृपा करता हूँ। मैं साथ ही मीरा रोड भाईंदर स्टेशन में ठहराव होना चाहिए, क्योंकि लोगों की इस तरह अभी सेंट्रल और एलटीटी स्टेशन पे जाना पड़ता है। मेरा मीरा रोड और भाईंदर स्टेशन पे लोकल ट्रेनों में फेरों में बढ़ोतरी करने की जरूरत है। कंक्लूड करता हूँ, ट्रेनों की संख्या भी 1109 और मुंबई सीसीटीवी भुवनेश्वर जाने वाली कोणार एक्सप्रेस भी ट्रेन का थाना स्टेशन पर। ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर सर,